ही कहें या फिर सिस्टम को कोसें, सोचिए ऐसी लापरवाही से क्या क्या हो सकता है। सोचिए अगर इंसानों को एक भी खतरा हुआ तो उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। ये हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को ये सब सोचने का वक्त नहीं। उन्हें तो बस अपनी पगार उठानी है और मौज करना है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड कहाँ हैं? अस्पताल प्रबंधन निरीक्षण क्यों नहीं करता? संक्रमण का जवाबदेह कौन होगा? बता दें कि हाल ही में विधायक ओम प्रकाश दुर्वे और कलेक्टर विकास मिश्रा ने भी अस्पतालों का निरीक्षण किया था, लेकिन इसके बाद भी हालत सुधरे नहीं। अब तो यही कहेंगे कि अब नहीं तो कब सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुत्ता बेड पर लेटा हुआ है और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहदवानी का, और यहाँ पर ये हालात हैं। डिंडौरी के ये बदहाल अस्पताल की तस्वीर आप देखकर समझ जाएंगे कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मरीज जो हैं वो उनकी संख्या कम हो गई अचानक से और सब स्वस्थ हैं। कई बार तो मरीजों को इलाज ही नहीं मिल पाता, डॉक्टर ही नहीं मिल पाते, बेड नहीं मिल पाता, नीचे लेटा कर इलाज कराया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कि कुत्ता अंदर पहुँच जाता है, और सर्दी का मौसम है, एक जानवर है, उसको तो पता नहीं है, लेकिन सर्दी के मौसम में उसको यहाँ पर ठौर ठिकाना मिल गया है, कोई देखने वाला है नहीं। तस्वीरें भी ले ली गई लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीजों के बेड पर कुत्ता जो है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहदवानी की तस्वीर है। अब मरीज कहाँ गए, सवाल ये है कि बेड पर कुत्ता है तो मरीज कहाँ गए। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। राजधानी में 41 लोगों पर हमला किया है। मिसरोद इलाके में 2 बच्चों को निशाना भी बनाया है और जेपी अस्पताल में डॉग पीड़ितों की भीड़ लग गई है। डॉग बाइट के जो पीड़ित हैं उनकी भीड़ लग गई है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 41 लोगों पर हमला किया है राजधानी भोपाल में। कुत्तों का ऐसा आतंक बढ़ता जा रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है? सवाल नगर निगम पर। मिसरोद इलाके में 2 बच्चों को भी निशाना बना लिया है और कई घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं जिसमें बच्चे जो हैं अपनी जान तक गवा चुके हैं डॉग बाइट। जेपी अस्पताल की स्थिति यह है कि यहां पर डॉग बाइट पीड़ितों की लंबी कतार लग गई। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आवारा कुत्तों का ऐसा आतंक है कि 41 लोगों पर हमला किया गया कुत्तों के द्वारा। इसमें 2 बच्चे भी हैं। मिसरोद के क्षेत्र की बात कर लें, भोपाल के मिसरोद की, तो वहां पर 2 छोटे छोटे बच्चों को भी निशाना बनाया डॉक्टर कुत्तों ने। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप राजधानी में जब रिपोर्टिंग करते हैं और आप देखते होंगे कि लगातार डॉग बाइट के मामले जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं, और केवल भोपाल से नहीं पूरे प्रदेश से ये मामले जो हैं बड़ी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में सरकार को क्या चिंता नहीं हो रही है? ये मामले जो आ रहे हैं ऐसे में नगर निगम जो है, स्थानीय बॉडी जो है, वो क्या कदम उठा रही है ऐसे मामले को रोकने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज ही नगर निगम ने एक बड़ी बैठक आयोजित की थी। इसमें तमाम जो MIC मेंबर हैं और जो टीम है उनकी, प्रशासनिक टीम, उनके साथ एक बैठक भी आयोजित की थी और एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया है कि आखिर किस तरीके से जो डॉग्स की संख्या जो बढ़ती जा रही है राजधानी में, इसको आखिर कैसे कम किया जाए। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और इसके साथ ही देखिए जो नोटबंदी है उसको अभियान तेज करने की बात कही गई है। इसके साथ ही ये साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं कि जहां भी इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स आपको नजर आते हैं उनको धरपकड़ भी तेज की जाए। देखिए, क्योंकि अभी अगर कुछ दिनों पहले की घटनाएं देखें तो लगातार जब डॉग्स को पकड़ने का प्रयास किया गया तो कई एनिमल लवर्स जो है वो भी सामने आए, विवाद की स्थितियां भी बनी और यही कारण है कि ऐसे अब तक राजधानी भोपाल में 7 एनिमल लवर पर भी मामला दर्ज किया गया है, ताकि जो लोग भी कुत्ता पकड़ने के अभियान में अगर अड़ंगा बनने का काम करेंगे ऐसे लोगों पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो साफ तौर पर निर्देश जो है वो महापौर ने दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव ने जब भोपाल राजधानी में एक बच्चे की मौत हुई थी उसके बाद साफ तौर पर निर्देश दिए थे
कि जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं वो नगर निगम उठाए। और जो आप बात आपने ठीक है कि न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जब मासूम जो है सबसे ज्यादा कुत्तों का शिकार बन रहा है। आज का ये घटनाक्रम लेते हैं तो मिसरौर थाना इलाके का ये पूरा मामला है और ये बच्चे स्कूल से आए थे और स्कूल बस से जब वो सड़क पर उतरे वहां से अपने घर की तरफ जा रहे थे, इसी बीच जो है कुत्ते ने इन दोनों को काटा। अगर आज मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो आज दिन भर में कुल 41 डॉग बाइट के केस सामने आए हैं। तो एक दिन का यह आंकड़ा है, 41 मामले सामने आए शैलेंद्र। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो मरीज हैं उनको इलाज मिल पाए, वैक्सीन या इंजेक्शन जो लगाया जाता है क्या उसकी उपलब्धता पर्याप्त है? देखिए, अगर बात राजधानी भोपाल की करें तो बड़े शहरों में तो वैक्सीन की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन कई छोटे शहर हैं वहां से जरूर इस तरह की खबरें आई थी कि वैक्सीन की पर्याप्त संख्या नहीं है। लेकिन ऐसे में खुद जिस बात का मैंने जिक्र किया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि आवश्यक व्यवस्थाएं रखी जाए और नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि जो आवारा कुत्ते जो सड़कों पर घूमते रहते हैं उनकी धरपकड़ की जाए और वैक्सीनेशन का काम जो है वो डॉग्स में तेजी से किया जाता है कि रेबीज का अगर इंजेक्शन उन कुत्तों को लग जाएगा तो अगर वो किसी को काटते हैं तो वो ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। इसके अलावा नसबंदी के में बढ़ाने के का प्रयास भी वो अब तेज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो ये मामले जो जिस तरीके से लगातार पड़ रहे हैं, एक दिन में 41 अगर डॉग बाइट के मामले राजधानी भोपाल में आ रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे महीने के ये आंकड़े कितने हैं और साल भर के आंकड़े कितने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राजधानी भोपाल में ही जो ऐसे मामले पड़ रहे हैं, लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डॉग बाइट्स के मामलों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। हाल ही में भोपाल में ही अभी एक मामला भी दर्ज किया गया, डॉग लवर या एनिमल लवर जो हैं उन्होंने, एक शख्स ने कुत्ता पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाया तो वहां पर मारपीट तक कर दी गई। और इसी के साथ